हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं शेफ अशोक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शेफ अशोक। तो आज मैं आपको बताऊंगा कोल्हापुरी मसाले के साथ चिकन करी कैसे बनाएं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग चिकन लेके आते हैं ना, बहुत ही बड़े मुर्गे का चिकन होता है, वो पकता नहीं है, वो सॉफ्ट नहीं होता, तो उसको सॉफ्ट करने का तरीका बताऊंगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने देखिए चिकन लिया है, 1 kg चिकन। तो चिकन को आपने अच्छे से धो लेना है और ये जो लेग पीस होते हैं ना, इनमें आपने 2 से 3 कट लगा देने हैं ताकि ये जल्दी पक जाएं। ग्रेवी बनाने के लिए हमें 5 प्याज चाहिए होंगे और 5 यहाँ पे मैंने एकदम रेड कलर के टमाटर लिए हैं। प्याज को आपने एकदम फाइन चॉप कर लेना है और टमाटरों की प्यूरी कर लेनी है। तो सबसे पहले हम कोल्हापुरी मसाला बनाएंगे। 5 से 6 आपने कश्मीरी मिर्ची लेनी है, 1 टुकड़ा जावित्री, 2 आपने बड़ी इलायची लेनी है यहाँ पे, 4 छोटी इलायची, 8 से 10 काली मिर्च का यूज़ करेंगे और 5 से 6 आपने इसमें लौंग डालने हैं, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 छोटे तेजपत्ता, 1 छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा डाल देना है, 1 चम्मच आपने इसमें साबुत धनिया डालना है और थोड़ी सी आपने कुकिंग सौंफ डालनी है। ये बारीक वाली सौंफ है, इसका यूज़ करेंगे। अब गैस की लो फ्लेम में आपने इन मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लेना है ताकि इन मसालों का जो फ्लेवर है ना वो एक्टिवेट हो जाए और दूसरा जो मसालों के अंदर मॉइस्चर है वो थोड़ा कम हो जाता है ना, तो ये ग्राइंड अच्छे से हो जाते हैं। और ये जो कश्मीरी मिर्च है थोड़ी सी ज़्यादा लंपी लग रही है ना, इनको आपने तोड़ लेना है। कोल्हापुरी मसाला बनाने के लिए या तो आप कश्मीरी मिर्ची का यूज़ करें या फिर ब्यादगी मिर्ची का यूज़ करें, इन दोनों में से आप किसी भी मिर्ची का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये स्पाइसी कम होती है और खाने में कलर अच्छा देती है। तो ये देखिए अच्छे से मैंने मसालों को रोस्ट कर लिया है। इसके बाद आपने इसमें 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल डालने हैं और तिल को भी आपने हल्का सा रोस्ट कर लेना है जब तक तिल में हल्का सा कलर आना शुरू ना हो जाए। और गैस की फ्लेम आपने यहाँ भी लो ही रखनी है, तेज नहीं करनी है तो ये जल जाते एकदम से। लास्ट में आपने गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और 1 छोटा चम्मच इसमें आपने खसखस डालनी है और खसखस को आपने पैन की हीट से ही गर्म करना है, नहीं तो ये जल जाती है एकदम से। अगर आपके पास कोकोनट पाउडर हो तो आप थोड़ा सा इसमें कोकोनट पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा कोल्हापुरी मसाला बनके तैयार हो चुका है। इसको ठंडा होने दीजिए और इसका एकदम फाइन पाउडर बना लेना है। फिर एक कढ़ाई लेंगे और उसमें आपने ऑयल ऐड करना है, 4 से 5 बड़े चम्मच यहाँ पे मैं ऑयल डाल रहा हूँ। ऑयल आपने इतना डालना है कि आपका जो तड़का है ना वो आसानी से पक जाए। जैसे आपका ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो सबसे पहले आपने बारीक कटा प्याज डालना है इसमें और गैस की फ्लेम आपने एकदम हाई कर देनी है और प्याज को अच्छे से पका लेना है जब तक इसमें हल्का सा कलर आना शुरू ना हो जाए। और कंटिन्यू आपने पलटा चलाते रहना है ताकि सारे प्याज में एक जैसा कलर आए। तो आप देख सकते हैं प्याज हमारा यहाँ पे हल्का हो चुका है और प्याज में कलर आना भी शुरू हो चुका है। तो अब यहाँ पे आपने ना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। तो पेस्ट को भी आपने अच्छे से पका लेना है, तब तक पकाना है जब तक पेस्ट की जो स्मेल है ना वो खत्म ना हो जाए। तो देखिए पेस्ट हमारा यहाँ पे अच्छे से पक चुका है। इसके बाद आपने इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर देनी है, जो टमाटर मैंने पीस के रखे थे। और जब आप टमाटर डालें तो साथ में आपने इसमें नमक डाल देना है। 1 छोटा चम्मच भर के मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है और टमाटरों को भी आपने प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छे से पका लेना है टमाटरों को, जब तक टमाटर अच्छे से ऑयल ना छोड़ दें। जब तक टमाटर पक रहे हैं तब तक हम अगला काम कर लेते हैं। एक पैन में आपने पानी बॉईल कर लेना है और उसमें आपने थोड़ा सा नमक डाल देना है और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें आपने हल्दी पाउडर डाल देना है। और जो चिकन हमने यहाँ पे धो के रखा था ना वो चिकन बॉईल करने के लिए रख देना है। सिर्फ 5 से 6 मिनट तक हमने इस चिकन को इस पानी के अंदर बॉईल करना है। बॉईल करके चिकन बनाने के 2 फायदे होते हैं, एक तो चिकन के अंदर से स्मेल नहीं आती है और दूसरा जो बड़े चिकन होते हैं ना उनका जो मीट बनता है ना वो एकदम सॉफ्ट बनता है। तो बॉईल आने तक आप वेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बॉयल आ चुका है, जो आपको झाग दिख रही है ना इस झाग को आपने निकाल देना है। जितनी झाग आपसे निकलती है उतनी निकाल दीजिए, बाकी झाग को आपने चिकन के पानी के साथ ही मिक्स कर देना है। इसको निकालने का मैं एक और आपको तरीका बताऊंगा आगे। तो ये देखिए मैं चिकन को यहाँ पे मीडियम फ्लेम में बॉयल कर रहा हूँ। तो टोटल 5 से 6 मिनट तक मैंने यहाँ पे चिकन को बॉयल कर लिया है। इसके बाद आपने गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और चिकन को आपने इसी पानी के अंदर छोड़ देना है 3 से 4 मिनट तक। तब तक हम अपना मसाला चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे जो टमाटर हैं ना वो अच्छे से पक चुके हैं, ऑयल छोड़ दिया टमाटरों ने, यही पहचान होती है टमाटरों के पकने की। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया मैंने। और तीखा करने के लिए डालेंगे इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर और इनको भी आपने टमाटरों के साथ थोड़ा सा पका लेना है। थोड़ा सा पकाने के बाद आपने इसमें कोल्हापुरी मसाला भी ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने देखिए सारे का सारा कोल्हापुरी मसाला डाल दिया है। अब आप बोलेंगे कि इतने सारे मसाले, ये कोई मसाले ज़्यादा नहीं है, 1 चम्मच धनिया था, 1 चम्मच जीरा था इसमें और थोड़े थोड़े मसाले ऐड किए थे, तो कम ही मसाले हैं इसमें। ज़्यादा जो क्वांटिटी आपको लग रही है ना वो तिल डाले थे इसके अंदर और थोड़े से हमने वो खसखस डाली थी उससे क्वांटिटी बढ़ गई थी। तो इन मसालों को आपने हल्का सा पका लेना है। जैसे मसाले अगर आपको लगता है जल रहे हैं ना, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। पानी कौन सा डालना है,
वही पानी डालना है चिकन वाला जिसमें हमने चिकन को बॉईल करके रखा था ताकि मसाले जो हैं वो जले ना और अच्छे से पकें। तो ये देखिए क्या ज़बरदस्त मसाला बनके तैयार हुआ है। अब आपने क्या करना है, इसमें वो चिकन ऐड कर देना है जो बॉयल चिकन हमने करके रखा था, वो पानी फेंका नहीं है मैंने अभी चिकन वाला, उसका भी यूज़ करेंगे। अब इस चिकन को आपने ना मसालों के साथ भूनना है, कम से कम 2 से 3 मिनट तक भूनिए ताकि मिर्च मसालों का अच्छा जो टेस्ट है ना, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर जो है ना, वो चिकन के अंदर तक चला जाए। तो जब तक ये मसाले अच्छे से ड्राई नहीं हो जाते तब तक आपने चिकन को भून लेना है, बड़े आराम से भूनिएगा ताकि चिकन टूटे ना यहाँ पे। तो ये देखिए चिकन को यहाँ पे मैंने अच्छे से भून लिया है, मसालों ने ऑयल छोड़ दिया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें पानी ऐड कर देना है। अब पानी कौन सा डालना है, वही चिकन का पानी डालना है जिसमें हमने चिकन को बॉयल करके रखा था। देखिए दिख रहा है ना आपको, झाग बच गया नीचे, तो इस झाग को आपने हटा देना है। बस इतना ही इसमें पानी डालेंगे और अच्छे से आपने चिकन को करी के साथ मिक्स कर लेना है। तो गैस की फ्लेम आपने हाई कर देनी है जब तक इसमें बॉयल नहीं आता है। जैसे आपके चिकन की ग्रेवी में बॉयल आ जाए ना, तो गैस की फ्लेम आपने मीडियम कर देनी है और ऊपर से कवर कर देना है, और कम से कम 15 मिनट तक आपने चिकन को इसी स्टॉक के अंदर पकाना है। तो टोटल 15 मिनट हो चुके हैं मुझे चिकन को पकाते हुए, और ये देखिए चिकन जो है वो हमारा अच्छे से पक चुका है, ग्रेवी ने ऑयल छोड़ दिया यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि आपने चिकन को 15 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर दिया, हिलाना नहीं है, 3 से 4 मिनट के बाद आपने चिकन को बीच बीच में हिलाते रहना है ताकि चिकन कढ़ाई के नीचे चिपके ना। तो ये देखिए चिकन ने हड्डी अच्छे से छोड़ दी है, मतलब हमारा जो चिकन अच्छे से पक चुका है। तो लास्ट में आपने इसमें काफ़ी सारा ब्रिक कटा हुआ हरा धनिया डालना है, अदरक के जूलियन है तो अदरक के जूलियन डाल सकते हैं, गरम मसाला पाउडर नहीं डालना है आपने, क्योंकि जो कोल्हापुरी मसाला डाला था ना उसमें काफ़ी सारे मसालों का यूज़ किया हमने। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।